चंदा इकट्ठा हुआ, भैया तुम दान दो। तुम एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, उसे कहा भैया तुम दान दो। उसने कहा कि अब इतने लोग दे तो रहे हैं, हमारा देना क्या जरूरी है। आप कल्पना करो अगर सब लोग यही सोचने लगे कि इतने लोग दे तो रहे हैं, सबको अपनी करनी का फल मिलेगा, तुम भी दान। पुराने जमाने की बात, घर से एक चांदी का सिक्का, एक रुपए का चांदी का सिक्का अपने दबा लिया, ऐसे मुट्ठी में दबा लिया। रास्ते भर सोचता जाए कि दे कि ना दे, दे कि ना दे। फिर सोचा दे ही डाले, तो कहा कि अब एक रुपए का सिक्का चला जाएगा कैसे। सोचा फिर दे ही डाले, आधा घंटा तो यही सोच में निकल गया कि दे कि ना दे, दे कि। जब से मुट्ठी में सिक्का बंद करे, मुट्ठी अब मुट्ठी और जोर से ऐसे मुट्ठी बंद कर, दे कि ना दे। तो सोचा कि दे ही डाले, तो कहा कोई बात नहीं, देते देते एक बार सिक्के को देख तो ले। तो जो उसने मुट्ठी खोली तो इतनी देर से हाथ बंद किया था, हाथ पसीज गया था, पसीना आ गया था। तो बोला तुम बहुत रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, चिंता मत करो, किसी को नहीं देंगे। लेकिन शंकर जी ने ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई कही शम, भगवान की भक्ति प्रदान की और आगे बढ़े शंकर जी। अब देखिए माता पार्वती जी ने कथा तो सुनी नहीं थी, माता सती ने कथा तो सुनी नहीं थी, तो बड़ा अभिमान था। अब शंकर भगवान ने सोचा कि भगवान की कथा तो मिल गई, लेकिन अब भगवान का दर्शन हो जाए, क्योंकि कथा के बाद अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन ही धन्य हो जाए। अच्छा आप कल्पना करो, जिसके मुंह में जल भरा हो वो कहे हम प्यासे, ऐसा कभी हुआ आज? लेकिन एक बार हुआ, कब? इन नैनों में जल तो भरा है, आंसू तो भरे हैं, लेकिन फिर भी ये आंखें प्यासी। किस चीज की प्यास? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निश्चिन्न रहत उदासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी। भगवान के दर्शन की प्यास। शंकर जी को भी सोचते हैं कि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए और
हुआ भी ऐसा ही संयोग से, ते ही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय धरती का भार भंजन करने के लिए हरि मतलब भगवान हरि रघुवंश लीन अवतार। रघुवंश में अवतार लिया था किसने? हरि पर ब्रह्म परमात्मा ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था पृथ्वी लोक पर। और जो शंकर जी ने देखा प्रफुल्लित होकर बोल पड़े कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय। ऐसा कह पड़े आप तो सती जी के मन में संदेह कि हमारे पति ने इनको सच्चिदानंद कहा, इनको और सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब आप जानते हैं क्या होता? जो सतरूप में हो, जो चित्रूप में हो, जो आनंद रूप में हो, वह है सच्चिदानंद। जो सतरूप में हो, चित्त रूप में हो, आनंद रूप में हो, वही कहलाता है सच्चिदानंद। तो पार्वती जी वो सती जी बोली कि अगर ये सत्य रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे, अगर चित्त रूप में होते मतलब सबके हृदय में निवास करते तो इनको तो पता रहना चाहिए कि जानकी जी कहाँ, और अगर आनंद रूप में होते तो ये तो रोते दिखाई दिए, फिर क्या फायदा? हमारे पति तो झूठ बोल, अच्छा हमारे पति तो झूठ भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? श्री सती जी कहते हैं कि मेरे पति के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती, तो शंकर जी के मुंह से निकली हुई बात झूठ क्यों नहीं हो सकती? देखिए जब हम हमें किसी भी बात को प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, तो कोई साधन तो नहीं कि बुलवा ले, लेकिन लोग कहते हैं कि सिर पर एक लोटे में जल भरकर फिर गंगा जी की कसम खाओ तब माना जाएगा कि तुम सही कह रहे हो। तो लोग बाग तो इतने से लोटे में जल भरकर अपने सिर पर गंगा जी की कसम खाते हैं, अरे शंकर जी के सिर पर तो साक्षात गंगा जी विराजमान है, उनके मुंह से कही हुई बात कभी झूठ नहीं। तो बड़ा संशय हो गया कि ये कैसे हो सकते हैं, और शंकर जी भी कह चुके हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, 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 अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, पावन पावन पावन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, चले मनोज न सावन, चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग, जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय। तो
क्या किया जाए, लेकिन भगवान शंकर सब समझ गए। ऐसे भगवान शंकर सब जान गए, कहने लगे सती संदेह मत करो, ये वही भगवान है। कौन? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जी धावहि। मुनि धीर जोगी